सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऊपर तो गाइस बढ़िया है, बढ़िया होना चाहिए। तो ये है वो प्रोजेक्ट। क्या है मतलब, इसके नीचे है छोटा सा काफ़ी, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, हाथ में वैसे रख के दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप अच्छे से देख लेंगे कि ये कैसा है एंड इसकी बनावट कैसी है और एंड ये है क्या। तो मैं बता देता हूँ, ये है एक्चुअली थ्रोटल ग्रिप आपका, मतलब जैसे कि नॉर्मल गाड़ी में जो क्रूज़ कंट्रोल आता है, इसमें क्या है, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल एक तरह से थोड़ा सा काम करेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपका जो थ्रोटल होता है जहाँ से एक्सलेट आप करते हैं उस पर आपको माउंट कर लेना है। माउंट भी कुछ नहीं करना है क्योंकि पास है प्लास्टिक मटेरियल, हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है कि आपको आराम से माउंट हो जाए। आपको अपने थ्रोटल पे माउंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इधर से लग के आपका माउंट हो गया। आपको अपने एक्सलेट के हिसाब से जितना चाहिए उतना आप उसको ट्विस्ट करेंगे, वो उतना एक्सलेट लेगा एंड आपको फिर आपका जो हाथ है ये वाला हिस्सा पाँव, ये आपका वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं या लॉन्ग मतलब तो लॉन्ग चल रहे हैं या सिटी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे लॉन्ग ट्रिप के लिए ज़्यादा बेटर है। तो एक्सलेट लेंगे एंड आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपको पकड़ना नहीं है। मतलब क्या है, कभी का नॉर्मल अगर आप थ्रोटल पकड़ रहे हैं तो उसमें क्या, आपका हाथ कंटिन्यू वर्क में रहता है, मसल्स कंटिन्यू वर्क में रहते हैं, तो रिस्ट पेन होने लगता है या फिंगर्स में मसल्स पेन होता है। इसमें क्या, आपने एक्सलेट ले लिया, इस पर आपने हाथ रख लिया, आपकी गाड़ी आराम से चल रही है, आपको कोई थ्रोटल नहीं पकड़ना, कोई कुछ नहीं, बस आपको इस पर हाथ रखे रहना है। और हाथ रखने मुझे नहीं लगता इतना फिर पेन का इशू होगा। आते तो बहुत सारे आए मार्केट में, बट मेरे को प्राइस के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सही लगा। अब आगे समय थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है कि कभी क्या लॉक वाला सिस्टम होता है कि उसको अनलॉक करो, लॉक अनलॉक नहीं हुआ, ये क्या कुछ में लॉक वाला कोई सिस्टम नहीं। आपने एक्सलेट लिया, हाथ रखा, गाड़ी आपकी चल रही है आराम से कंफर्टेबल, जब आपको नहीं चलना है आप रिलैक्स नॉर्मल जैसे हो जाएंगे वैसे चलती रहेगी। तो काफ़ी सही है ये, प्लास्टिक का है। प्राइस मैं बता देता हूँ, प्राइस मेरे को बड़ा था ये 90 रुपये का, 90 रुपीज़ का। सो काफ़ी हेल्पफुल है, आप अगर सिटी में भी ट्रैवल करते तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप के लिए तो और बेस्ट है। आपने थ्रोटल पर लगा लिया, मस्त एक्सलेट करते चले जा रहे हैं आप हाथ रख के कंफर्टेबल। सो अब डायरेक्ट मैं इसको लेके चलता हूँ, गाड़ी पे माउंट करता हूँ एंड देखता हूँ चेक करके किस तरह से एक्चुअली वर्क करता है, कि मैंने भी देखा नहीं है, तो उसका वर्क देखते हैं फिर आपको वो भी शेयर कर देते हैं। चलिए फिर आपको सीधे मिलते हैं मोटो ब्लॉक सेटअप पे, आगे बाय। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे एंड अपनी ब्यूटीफुल सी बाइक थोड़ी गंदी हो रही है एक्चुअली, बारिश यार काफ़ी हो रही है। लोकेशन एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, क्या ही मस्त लग रहा है। एंड उधर अपने सागर भाई खड़े हैं, वो भी लगे हैं अपना कुछ सूट में। एंड उधर आ गया है अपना डेमोनिक। तो अभी मैं ये रहा माउंट जो दिखा रहा था, मैं सोचा कि इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको लगा के। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रखना है इसको एंड पीछे की ओर पुश करना है, आगे की ओर मतलब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एंड देन हो गई फिट। सो अब बाकी अगर इसको आपको एडजस्ट करना है तो ये इस साइड से अगर करेंगे तो आपका देख रहे थ्रोटल ग्रिप घूमेगा। कुछ नहीं करना आपको, बस इस साइड टर्न करके, ठीक है, ऐसे जहाँ पे भी एडजस्ट करना हो वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एडजस्ट हो गया है, आपका पाँव इस पर आराम से टिक जाएगा एंड अब चला के सीधे देखता हूँ उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, मिलते हैं सेटअप पे अपने। तो गाइस फाइनली बैठ गए हैं, तो ग्लव्स पहनते हैं फॉर सेफ्टी एंड थोड़ा अगर ग्लव्स पहने रहेंगे तो उससे क्या है कि अगर आप जैसे हाथ रखेंगे तो मे बी अगर कभी ये गड़ना होगा तो कुछ गड़ेगा नहीं। एंड सॉरी चाबी निकालना तो भूल ही गया अपनी गाड़ी की मेरी किधर की गई, पॉकेट में रखी, सॉरी वन सेकेंड होल्ड ऑन, समझ चाहता हूँ इतनी देर के लिए गाड़ी ऑन। सो ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट कर नहीं रहा है, ओह सॉरी गियर लगा था, गियर कह रहा हूँ स्टैंड लगा हुआ था, गलती हो जाती है कभी। तो अब मैं एक बार चला के दिखाता हूँ, तो वैसे तो सही चल रही है। मैं आगे तक एक राउंड ले लेता हूँ एंड देन आप मुझे पता भी चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो अभी तो मैंने तो थ्रोटल पकड़ रखा है, मैंने थर्ड गियर शिफ्ट किया एंड मैं कुछ नहीं, ये देखिए हाथ इस पर बस रखा हूँ, देख सकते हैं हाथ रखा हूँ एंड गाड़ी आराम से चल रही है। कुछ नहीं करना है यार ज़्यादा भी है, ये देखिए आप बस इसी को, इसी से गाड़ी चल रही है। तो मतलब देखा, जब आप जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे होंगे ना तब ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। एंड यार अभी सीन क्या हुआ था ना, एक्चुअली यहाँ पीछे साइड पे ऐसे एक और ऊंचा सा था, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, इससे भी ऊंचा था, तो वहाँ पे यार क्या हुआ था, मेरी एक्चुअली गाड़ी टच कर गई थी। तो काम तो ये काफ़ी सही कर रहा है यार, मतलब जिस हिसाब से बना है। तो मतलब यार लॉन्ग ट्रिप वाले बंदे और शॉर्ट राइड सिटी राइड सब के लिए भाई मैं तो कहूँगा ये बेस्ट है भाई। एक तरह से छोटा सा मतलब क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं कि आप गाड़ी के हैंडल छोड़ दो, बट आपका हाथ एकदम फ्री रहेगा, आपको ग्रिप नहीं पकड़नी कि आपके मसल्स फिंगर्स रिस्ट में पेन हो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
आराम से आपको इस पे हाथ रखे ना, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है सीन। बाकी अब यहाँ से एक टर्न ले लेता हूँ मैं, तो ओवरऑल सीन ये है कि मतलब अगर आप सिटी में भी चलेंगे तो भी आपको कोई मतलब इससे परेशानी तो नहीं होने वाली। बट सिटी में क्या, अगर आप इसके भरोसे रहेंगे थोड़ा सा गाड़ी आपकी थोड़ी झटके लेगी। अगर हाईवे पे तो भाई स्मूथ की हाईवे पे आप चलेंगे तो आप हाईवे पे आप आराम से पाँचवें छठे गियर पे रहेंगे तो कोई दिक्कत, तब तो भाई वो बेहतरीन एक नंबर काम करेगा। तो मतलब फुल कंफर्टेबल आप रहेंगे, आराम से चला सकते हैं इस पे, आपको हाथ रखना है चलता रहेगा। आपका 90 रुपये का प्रोडक्ट है, अच्छे से आपका ये काम करेगा, तो काफ़ी बढ़िया है यार ये तो। मतलब मेरे हिसाब से तो बेहतरीन चीज़ है ये, आप लोग को भी लेना होगा तो ले सकते हैं, काम की चीज़ है। सो अगर आपको मेरी ये जानकारी है, ये थ्रोटल ग्रिप अच्छा लगा हो और आपको परचेज़ करना, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अदर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, तो प्लीज़ यार वीडियो को यार लाइक करो एंड यार स्किप करिए मत, क्योंकि बंदे स्किप करके देखते ना तो नुकसान हो जाता है यार मेरा, बहुत टाइम नहीं मिल पाता यार, बहुत टाइम वो चलेगा नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक यार मेरा मतलब चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से इसने काम किया, गाड़ी लगाते हैं अपनी आराम से लोकेशन पे एंड फिर आराम से लग गई गाड़ी न्यूट्रल एंड देन दैट्स इट, ऑफ करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इसने अपना वर्क किया है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि यार हमारे पास NS है, जैसे कि वो स्पोर्ट्स बाइक थी, नेकेड बाइक पे भी एक बस को लगा के दिखा देते कि नेकेड बाइक पे ये किस तरह से वर्क करता है। कुछ नहीं भाई, ये यूनिवर्सल साइज़ रहता है तो हर थ्रोटल पे ये आराम से फिट हो जाता है, बट इस पर मुझे लग रहा थोड़ा सा लूज़, नहीं ऐसा बट नहीं, सॉरी सॉरी लूज़ नहीं है, ये इधर साइड घूमता ही है, तो कुछ इस तरह से फिट हो गया। माफ़ करना भाई, ग्लव्स एक्चुअली निकाल दिए मैंने थोड़े से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और पसीना हो गया था, गंदे भी हो गए थे भीगने की वजह से। तो गाड़ी ऑन करते हैं भाई, नेकेड गाड़ी से तो अपना पुराना ही लव है भाई, मस्त लग रही है, मतलब अच्छे से काम करेगा मुझे लग रहा है। तो यूँ कुछ चलाते हैं कुछ इस तरह से, विदाउट ग्लव्स क्या है, अगर आप रहेंगे तो आपको ये थोड़ा सा गड़ सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सेम है यार, मतलब कुछ नहीं है, मतलब आपको ये नहीं लगेगा जैसे कि इस पे, तो और बल्कि आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि उसमें क्या आप आगे जैसे झुके रहते हैं स्पोर्ट्स बाइक में, जैसे कि यहाँ मेरी बाइक खड़ी है देख सकते हैं, स्पोर्ट्स बाइक में आप थोड़ा झुके रहते हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें तो आप आराम से रिलैक्स स्ट्रेट बैठे हैं, कुछ नहीं करना है यार, आप हाथ आराम से रख के बैठे हुए एंड आपका मस्त गाड़ी चल रही है, वो ज़्यादा ये मुझे लगता है भाई ये ज़्यादा बेस्ट है यार, इस पे तो भाई फुल कंफर्टेबल है यार, सच में यार ये मजा आएगी हाईवे पे। तो यार ओवरऑल एक्सपीरियंस तो इसका बेस्ट है यार, मज़ेदार है यार, क्विक रिस्पॉन्स, आराम से गाड़ी चल रही है, कुछ नहीं यहाँ से घुमा लेते हैं गाड़ी। तो मतलब नेकेड गाड़ी, मतलब एक्चुअली ये तो आपको पता ही होगा कि नेकेड गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको फिर क्या है, आपको थ्रोटल भी नहीं खींचना पड़ रहा है, आपको ग्रिप भी नहीं लेना पड़ रहा है, आपने हाथ रख के एडजस्ट कर लिया एंड देन चल रहे हैं अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बिंदास, अपना हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो बढ़िया था। तो दोनों गाड़ी पे मैंने आपको करके दिखा दिया, नेकेड एंड स्पोर्ट्स, एडवेंचर गाड़ी की तो भाई अभी है नहीं, तो कोई ना व्हाट्सएप पे अच्छे से काम करेगा। सो लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग पे साथ में ही, कुछ इस तरह से रहा इसका वर्क। चलिए, तो अगर आपको ये सही लगा हो एंड मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये जुगाड़, बहुत ही बेहतरीन सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।